सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप थ्री बेस्ट बजट स्मार्टफोन अंडर 6000, जहाँ पे आपको 6000 के अंदर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 8GB रैम, 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 90Hz रिफ्रेश रेट वाला लार्ज डिस्प्ले मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले हैं ऑनली 6000 के अंदर। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है टेक्नो के न्यूली लॉन्च डिवाइस टेक्नो पॉप 8। इस स्मार्टफोन में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो फीचर के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैग भी होगा। बैग का आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एक LED लाइट के साथ। जो कैमरा मॉडल है कम्प्लीटली आईफोन जैसा मिलेगा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बैक पैनल पे एक डिजाइन मिलेगा स्क्वायर बॉक्स जैसा, जो काफी यूनिक और काफी अच्छा लग रहा है। पर्सनल में जो व्हाइट कलर है वो फेवरेट है, व्हाइट कलर में ये डिवाइस काफी अच्छे लग रहा है। वहीं पे बात करें अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 5-inch डिस्प्ले मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 13 MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, उसके साथ आपको 0.08 मेगापिक्सल का एक AI लेंस भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, इस डिवाइस पे फोन और बैग दोनों जगह पे आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाएगा, जो भी एक यूनिक बात है। और बात किया जाए परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक की T606 एक चिपसेट, जो 4G है, मतलब ये डिवाइस 4G होने वाला है। वहीं पे आपको 4GB रैम, 64GB रोम मिल जाएगा। रैम को आप 8GB तक एक्सपेंड कर सकते हो वर्चुअल रैम पे। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन होने वाला है, जो गो एडिशन होगा। बात किया जाए बैटरी की तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 10W चार्जिंग। और सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ आपको टाइप सी चार्जिंग मिलने वाला है। इस डिवाइस के आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा व्हाइट और सेकंड होगा ब्लैक। तो मुझे तो पर्सनली व्हाइट कलर काफी प्यारा और काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, 4GB प्लस 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस अभी करंट टाइम में 6500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 की डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 6000 आ जाता है। तो अंडर 6000 में लुकिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा और दमदार सा एक डिवाइस है, तो आप इसे जरूर ले सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है इनफिनिक्स के न्यूली लॉन्च डिवाइस इनफिनिक्स स्मार्ट HD, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा सा एक बजट डिवाइस है। तो एक एक करके क्या फीचर मिलता है जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का HD IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और जो कैमरा वो आपको 5 मिलने वाला है, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं करता। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 500 नीट पिक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटडोर पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और दोस्तों, वहीं पे बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा। और दोस्तों, ये जो कैमरा मॉडल है ना वो कम्प्लीटली आपको आईफोन जैसा मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, मोबाइल इन हैंड फील कुछ हद तक आईफोन जैसा लगने वाला है। वहीं पे बात करें अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको यूनिसॉक की T606 एक चिपसेट मिलेगा, जो एक 4G चिपसेट है। वहीं पे बात करें रैम रोम की तो इस डिवाइस पे आपको 3GB रैम और 64GB रोम मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे कैमरा भी काफी अच्छा होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहाँ पे मेन कैमरा 13 MP का होने वाला है, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक AI लेंस भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा
मिलने वाला है, जिसे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों वहीं पे बात करें बैटरी की, तो यहाँ आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 10W चार्जिंग। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है, जो एक काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 3GB+64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 6299 रुपीज है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस 6000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में एक गुड लुकिंग सा काफी अच्छा फीचर वाला एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो इनफिनिक्स स्मार्ट HD को जरूर ले सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस पोको C65, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, जहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। डिवाइस की वेट होने वाले 192 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का है। ये डिवाइस इन हैंड फील काफी अच्छा देने वाला है। इस डिवाइस की जो कम्प्लीटली लुक है ना, वो रेडमी की नोट सीरीज की जैसा ही है, तो लुकिंग वाइज काफी शानदार है। वही बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंच का लार्ज IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 450 नीट पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलते हैं, उसके साथ साथ 6.74 मतलब काफी बड़ा एक डिस्प्ले भी मिलने वाला है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो एकदम वैल्यू फॉर मनी है। उसके साथ साथ बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा और 0.08MP का एक ऑक्सिलरी लेंस भी मिलने वाला है। और दोस्तों वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है, 6000 पे आपको ज्यादातर डिवाइस 30MP का कैमरा ही प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे आपको 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस डिवाइस पे आपको सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का मिल जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Helio G85 चिपसेट, जो 12nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी जो एंथोस को वो 2,50,000 के आसपास है, तो इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छा है। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 256GB। डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते इसकी सभी अदर फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे मिलने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 6800 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 500 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस 6200 तक आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। वहीं पे जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 7800 है, और जो 8GB+256GB है उसकी प्राइस 8000 है। तो अंडर 8000 आपको अगर 8GB 256GB वाला रैम रोम डिवाइस चाहिए, तो भी आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से अदर फीचर और रैम रोम काफी अच्छा मिल जाता है।